का जो 24 तक की धाराएं हैं उसमें किन बताया गया उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जो आपका है वो कपट को विलेखों के बारे में बताता है, ठीक है, और संपत्ति के वैनों के विषय में, अर्थात कि आप कोई डीड बनाते हो, ठीक है, डीड अर्थात कि आप कोई विलेख बनाते हो कि ऐसा विलेख जो भी कोई व्यक्ति है जैसे करता है, ठीक है, कि कहता है कि मुझे आप 500 अब वो तभी आपको पता चलेगा कि ये थे, ठीक है, उस वो है, क्या है, उन्हीं कपटपूर्ण विलेखों की बात की गई है। फिर संपत्ति के वैनों के विषय में, तो संपत्ति के वैनन डिस्पोजल किया जाता है उसको, कैसे है कि ऐसे समझिए यहाँ दो व्यक्ति हैं ए और बी, ये ए और बी के पा की बराबर संपत्ति है, दोनों ने मिलकर संपत्ति खरीदी थी। अब ए इसी के आधार पर यहाँ पे लोन, ठीक, और जब लोन चुकाने की बारी आई तो ठीक है, और जब मेरे पास कुछ नहीं है वो अपने आप को दिवालिया जानबूझकर, जबकि ऐसा है नहीं। जो कार्य किया जाएगा वो आपका 421 22 23 24 के अंतर्गत, फिर हम लोग देखते हैं कि 421 क्या कहता है। तो 421 बताता है, लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए संपत्ति का बेईमानी से या कपट पूर्वक अपसारण या छिपाना, ठीक है, तो लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए, तो यहाँ पे लेनदार कौन होंगे, जिनसे कोई व्यक्ति कुछ लेता है, अगर कोई व्यक्ति की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, तो 421 लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए संपत्ति का बेईमानी से या कपट पूर्वक अपसारण या छिपाना, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा है कि देखिए आपके ऊपर किसी प्रकार की लेनदारी है, अर्थात आपको किसी से कुछ लेना है या आपको कुछ देना है, ठीक है, आपने कोई ऋण लिया था और आपको ऋण चुकाना है, और उस ऋण को चुकाने के लिए जब आपके पास कोई व्यक्ति आएगा तो आप क्या बोलते, नहीं मैं तो दिवालिया घोषित हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है आपको देने के लिए, ठीक है, और आप अपनी जो संपत्ति होगी उसको क्या करोगे, बेईमानी से या कपट पूर्वक उसको छिपा दोगे या उसको हटा दोगे, ठीक है, अपसारण मतलब उसको हटाना या उसका रिमूवल कहलाता है इंग्लिश में, ठीक है, तो उसी के बारे में